तकनीकी खराबी के कारण कल का प्रसारण ना करने के लिए हमें खेद है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई किचन। घबराइए नहीं, आपके स्वागत के लिए रसोई के दरवाजे के साथ साथ मैंने फ्रिज का दरवाज़ा नहीं खोला है। ये फ्रिज का दरवाज़ा बताता है कि अगर आपका फ्रिज अलमीरा बन जाए तो रसोई गोडाउन बन जाता है। सब्र कीजिए, अभी बताती हूँ फ्रिज की कहानी। नहीं नहीं, कोई सफाई नहीं चल रही। कोई शौक से इसका दिखावा भी नहीं चल रहा। क्या है कि एक चूहे ने सारा कारनामा किया है। जी हाँ, बैकग्राउंड स्टोरी ये है इस फ्रिज की कि हम गए थे 2 महीने के लिए बाहर, शायद 2.5 महीने के लिए, और इस बीच हमारे घर से बाहर निकलते ही हमारे घर में एंट्री हुई चूहे महाशय की, और उस चूहे के बच्चे ने इस घर को अपना घर समझ लिया और हर जगह अपना राज फैला दिया। बस भोजन में उन्होंने हमारे फ्रिज के पीछे के कई वायर कर डाले तमाम, और आज मेरा फ्रिज हो चुका है तमाम। जी हाँ, एक चूहे ने मेरी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी है, और ये उथल पुथल ही है जिसकी वजह से कल मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। उस चूहे ने मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म की ही, अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। भाई साहब मर चुके हैं और मेरे जीवन में बदबू ही बदबू फैलाया हुआ है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब जो होना है उस पर ध्यान रखना होगा, है ना? कंप्लेन कर दिया है, अब जो करना है वो किचन में खाना बनाने का काम। बहुत टफ। चलिए, इसके पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। कारण से कल नहीं मिले, आज भी वही कारण मेरे सामने यूं मुंह खोल कर खड़ा है, पर हमने कहा कि छोड़ो यार, जो भी है अब देखा जाएगा। क्या है ना, कल से आज तक में इस एक चीज के खराब होने से इतना पैसा बर्बाद हुआ है, इतना सामान बर्बाद हुआ है, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज, इतना समय बर्बाद हुआ है कि क्या बताऊं। उधर बैकग्राउंड में चलते हैं, ये क्या दिखा रही हूँ मैं आपको। क्यों समय बर्बाद हुआ है मैं बताती हूँ। मैंने कंप्लेन किया,
कंप्लेंट करने पे हुआ, टेक्नीशियन जी आ रहा है आपको फोन करके आ जाएगा। और भाई साहब कल का पूरा दिन वेट करते रहे और नहीं आया, मतलब आया पर कुछ पार्ट नहीं था, ऑर्डर हुआ बोला आ जाएगा। आज सुबह से वेट कर रही हूँ और मेरा फ्रिज भी वेट कर रहा है और आज भी नहीं आया। अब फिर से बोला कल आएगा। हमने कहा यार अब जो भी है हम लोग मिलकर बातचीत कर लेते हैं, है तो मामला ये बहुत सीरियस पर मैं सीरियस नहीं होना चाहती हूँ, तो हम दिन को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। पता है आप लोगों को एक चूहा जिंदगी बर्बाद कर सकता है, मतलब क्या ही बताऊं। माँ आज कह रही है गुस्से में आप चूहे के बारे में, इस भी जो रास्ता से आता है उसी रास्ता से वापस कहे नहीं चला जाता है, मर कहे जाता है। घर में बदबू आ रही है घर में, मैं 3 दिन से ढूंढ रही हूँ, स्मेल धीरे धीरे आना शुरू हुआ। भाई साहब मतलब आज जो कल, हाँ कल ढूंढ ढांढ के भाई साहब मिल गए, धूमधाम से उनका जनाजा निकल गया, पर वो जो घर में हालत करके गए हैं इतनी बर्बादी, मतलब मैं क्या बताऊँ। मुझे तो डर है कि कहीं मेरा वॉशिंग मशीन भी ना ऐसा कुछ हो जाए जैसे ये पड़ा है। तो खुद तो भाई साहब गए, मेरा फ्रिज भी ले डूबे हैं। तो बस आज का समाचार यही है और खर्चा पानी बहुत बढ़ गया है, सोच रही हूँ कमान निकल जाओ। क्या करें, दिल को ऐसे ही सुकून देना पड़ता है। आप लोग कैसे करते हो यार, ये सब कितना टफ है ना, नया सामान लाना एकदम आसान। जाइए या तो चेक कार्ड कर दीजिए, एटीएम कार्ड लेकर जाइए और हो गया आपका काम खत्म। लेकिन रिपेयर जॉब, ओफ ओफ, मैं मेरे बारे में भी सोचती हूँ कि मैं जब अपने आप को ठीक कर रही थी 5 साल में डॉक्टर के चक्कर और ये, बिल्कुल ऐसा ही है रिपेयरिंग वर्क इंसान का भी होना तो सबसे मुश्किल होता है। फ्रेश ठीक है, जब तक आप बीमार नहीं हो तब तक बहुत बढ़िया। एक बार अगर बीमार पड़ गए और कुछ लंबा वाला तो ये चलता ही रहता है ना। ये मेरी माँ मेरी फ्रिज का खबर फोन पे फैला रही है, पूछती हूँ किसको फैला रही हूँ, किसको खबर दिया जा रहा है। देजी के, देजी दी को। ठीक है बेटा, तो खबर पटना तक पहुंच चुका है और आपके माध्यम से पूरी दुनिया में खबर फैल गया है। चूहों से सावधान, हम लोग फिल्म देखेंगे। ये नहीं कहो देखे, लेकिन बहुत खराब है, कैसे देखेगी माँ। तो 6 बच्चे हैं, एक बच्चा भी अगर कह देना कि ये चीज मत देखना ये खराब है तो माँ उसकी मानेगी, और मैं कह रही हूँ अच्छा है देखो, अब माँ कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी। देखो ना थोड़ा सा, हम उससे पहले से कर रहे हैं कि हमको नहीं अच्छा लग रहा है। तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम तुम्हारे लिए कोरियन ही लगाते हैं। आजकल माँ को हिंदी कम पसंद आ रहा है, कोरियन ज्यादा पसंद आ रहा है। इतना देख लेते हैं कितना अच्छा जितना प्ले हो गया है, बोल रही है कि 28 मिनट देख ही लिया है तो 40 मिनट और देख ही लो, खत्म करो। मतलब हमारे यहाँ खराब चीज को भी पूरा किया जाता है, अधूरा नहीं छोड़ते जी। कालकूट कैसा लगा? अच्छा लगा, वो पूरा हो गया है ये सीजन का, अभी उसका एक एपिसोड और बाकी है। आठवां देख ली मम्मी? नहीं देखी है। नवा बनाइए, हमारी माँ कह रही है अभी अधूरा है, पूरा करिए इसको। तुमको समझ में आया कि ये खत्म हो गया है? हमको नहीं लगता है, समझ में खत्म नहीं हुआ है, अभी बंद में नहीं किया और आगे ये आगे पर ये सीरीज वैसे खत्म हो गया है 8 एपिसोड में, पर माँ का कहना है कि आगे और होना चाहिए क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। एक दूसरा सीरीज देख रही है पर वो माँ को अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ और दिखाती हूँ। कोरियन देखोगी कि हिंदी देखोगी? हिंदी देखूंगी। ओ बेटा, अब तक तो जिस बेटी के पास जाती है ना वैसी हो जाती है। क्या है कि जो दिल्ली में मेरी दीदी है रागी, वो सिर्फ कोरियन शोज देखती है, तो वहां जाकर कोरियन का तुम लत लगाई और यहाँ हमको नहीं देखने दे रही हो। देखो कहाँ देख रही हो तुम, हम तो कोरियन देखना चाह रहे हैं। तो देखो पहले चाय पिए। हाँ मम्मी फ्रिज खराब है, दही दूध पनीर सब खा जाओ। नहीं दही दही रहने दो, दही नहीं खा, दही खराब हो जाएगा मम्मी। नहीं दही नहीं खराब, मेरा फ्रोजन वाटर पूरा खराब है, सब्जी खराब हो गया, दही खराब हो गया। कौन सब्जी? करेला भुजिया नहीं, सब्जी इतना तो अभी लाए थे मम्मी। तो हम सिनेमा देखकर मिलते हैं और आप तो सिनेमा देख चुके हैं हमारे घर का, मतलब जो हालत हुई है अच्छा लग रहा है ना।
ऐसा लग रहा होगा आहा हमारे वाली हालत इनकी भी होती है, सबकी होती है। आज का सिनेमा खत्म। हाँ जी, आज हम इतना ही दिखाएंगे, इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा, पर कितना कुछ मिला है ना। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और अगर बहुत सारी बातें नहीं करेंगे तो बहुत सारा समय साथ बिताएंगे। और आज हम बस घोड़ा बेच कर सोएंगे, क्योंकि बाहर भीतर सब जगह थकान है। गुड नाइट, लव यू।